मैंने अपने घर वालों को क्या बोला, पाकिस्तानी लोग ना दूध चाय में वो जो चीनी डाल के पीती है, मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं। वो लोग उठे बैठे चाय 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 लगी रहती। आप लोग भी जरा टेस्ट करो कैसे आप लोग पी सकती हो। यानी मेरे घर वालों ने ऐसी मुंह पे उठाया, फूंक मारा, ये कोई चाय है? चीनी लोग आपको गरम पानी पीते दिखाई देते हैं ना, इनके जिगर के ऊपर चर्बी आती है ना, ये मोटे होते हैं ना, इनको बदहजमी जैसे मसाइल होते हैं। और मैं जब चाइना गया था, मैंने इनको ठंडा पानी इस्तेमाल करते नहीं देखा था। मेरे साथ चीन से मौजूद हैं एक खातून, और इनका दावा भी यही है कि दे डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी नहीं पीते। चीनी ठंडा पानी नहीं पीते, गर्म पानी पीते हैं। क्यों? जी, बिल्कुल। हम लोग गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी इसी पीते हैं, एक तो हमारी आदत बन चुके हैं। तो उसी बात है, हम वो गर्म पानी पी तो तब हमारे खाना हजम हो जाती है। और क्या फायदा होता तो उससे यानी कि हमारे पतले स्मार्ट रहने के लिए अच्छा होता है। दूसरा यानी कि हम कभी बैज वक्त उस गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी नमक डाल के, थोड़ी सी नमक मिक्स करके पीती है, उसमें से यानी कि गले की खारिश, गले के कोई इन्फेक्शन वगैरह ठीक होने का फायदा देती है। तो उसी बात यानी कि वो गर्म पानी आप पीता रहे तो वो अंदर जाके अंदर कहीं ना कहीं जाम हुई हुई चर्बी हो गई या कुछ हो गई, वो उसको पिघल देती है। तो फिर इस वजह से हम ये जो गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हमारे हर खाने में गर्म पानी पीना, अगर प्यास लगे तो गर्म पानी पीना वो आदत बन चुकी है हमें। अगर हमें सख्त प्यास लगी हो तो फिर हम लाजमी सबसे पहले ठंडा पानी में हाथ नहीं लगाते, गरम 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 वो जो पानी पीती है तो तब हमारी प्यास से की बुझ जाती है। ये देखें, चीनी गर्म पानी पीते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानियों को देख लें तो वो हमेशा ठंडे पानी को प्रेफर करते हैं। तो बेनिफिट्स इन्होंने बता दिए। अच्छा, इनकी एक और आदत भी है, ये चाय में नमक डालते हैं, चीनी नहीं डालते। ये क्या तरीके है? बस हम जब पैदा हुए तब से हमारे माँ बाप ने जो वही दूध चाय के उसमें से वो जो नमक डाल के पिया बड़ी हुई हम। वैसे सिर्फ मैं पैदा होगी नहीं, पूरी ऑल चाइना में जो दूध चाय पीने वाले लोग सारे नमक ही डालते हैं, चीनी कभी नहीं डालते हैं। एक ऐसा हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान 2010 में एक बार विजिट में आई थी। मैं फर्स्ट टाइम एक बार 2010 में मैं विजिट में आई तो उस वक्त क्या हुआ, मैं जा वापस जाती हुई टाइम मैं इधर की लिप्टन चाय ले गई है। वो लिप्टन पत्ती ना, चाय पत्ती वो मशहूरी ले भी कर गई। दी आपने उनकी। हाँ, तो फिर मैं वो ले गई तो मैंने अपने घर वालों को क्या बोला, पाकिस्तानी लोग ना दूध चाय में वो जो चीनी डाल के पीती है, मैं आप लोगों को बना के दिखाऊँ। मैंने थोड़ा कैसी बनाते तरीके देख भी आ गई हो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट कराती हूँ। वो लोग उठे बैठे चाय 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 लगी रहती। आप लोग भी जरा टेस्ट करो कैसे आप लोग पी सकती हो। यानी मैंने घर में से खूब बड़े दिखचे पूरा भर के मैंने वो दो चाय बनाया, लेप्टन की चाय बनाई आपने, लेप्टन की वो चाय बनाई थी। तो चीनी फिर डाली इसमें? मैं हाँ चीनी डाला तो मेरे घर वालों ने ऐसी मुंह पे उठाया, फूंक मारा, ये कोई चाय है? ये क्या, बस आपने पाकिस्तान जाके देखा ना, आप भी पी ले, हमें फिर भी अपनी नमक वाले तेज वही चाय बेहतर है, ऐसे बोले। क्योंकि इस बात से यानी कि ये होता है, हर मुल्क के अपना अपना कल्चर, अपना अपना खाने पीने का आदत रवाज, अपने अपने टेस्ट होती है। उसी तरह से हम लोग नमक डाल के आदि हुई है, इधर आप लोग चीनी डाल के आदि होने की वजह से होता है। तो सही, बस इसमें कोई वो खास लेकिन ये लोग जब नमक डालते हैं तो इन लोगों को फैटी लिवर जैसे मसले नहीं, इन्हें ओबेसिटी मोटापे जैसे मसले नहीं, ये बहुत ज्यादा फीडरों में डाल के, पाकिस्तान में आपको पता है बच्चों को फीडरों में डाल के चाय पिलाते हैं, यही चीनी वाली हाँ चाय। मैंने ये देखा, मैंने ये देखा हमारे उधर क्या करते हैं, बच्चों को फीडर में क्या डालते हैं, अगर बच्चे प्यास लगे तो वो एक गर्म पानी थोड़ा सा ठंडा करके, यानी कि बिल्कुल ठंडा नहीं, थोड़ा सा यानी कि मुंह जले जलने के वो ना हो, उसी कंडीशन में ना हो, तो उस सूरत में ला के उसमें कभी अभी पिलाए हो तो थोड़ा सा नमक डाल के पिलाती है। फिर थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगे तो हल्की फुल्की चीनी एक आधा ऐसे डाल के फिर वो पिलाते हैं। लेकिन ज्यादातर कभी कभी बच्चों को प्यास लगे तो लाजमी गर्म पानी में वो नमक डाल के पिलाते हैं फीडर में। वो दूध चाय डाल के पिलाते हुए आज दिन तक मैंने उधर देखा ही नहीं है।